हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पनेशिया। सो आई होप आप सभी फिट होंगे, हेल्दी होंगे और एग्ज़ाम के अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि हमने नेशनल पार्क का पार्ट वन कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने देश के यूनियन टेरिटरीज के नेशनल पार्क पढ़ लिए और कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स के नेशनल पार्क कर लिए थे, और साथ ही में हमने देश के जो नेशनल पार्क है उसमें जो एक्स्ट्रा फैक्ट रहते हैं उससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स कवर किए थे, जिसमें सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे पुराना, सभी तरीके के जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में नेशनल पार्क से रिलेटेड बनते हैं वो सारे कवर किए थे। तो इन्हीं नेशनल पार्क को समझने के लिए जो हमने रिमेनिंग पॉइंट्स बच गए थे वो आज इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। तो आज का जो लेक्चर रहेगा हमारा पार्ट सेकंड रहेगा नेशनल पार्क्स के ऊपर। तो देखिए, जो रिमेनिंग बच गए वो अब हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में भी जो स्टेट किए थे वो हमने पार्टीशन कर ली थी, नदर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन और यूनियन टेरिटरीज भी हमने कंप्लीट किए थे। तो अब जो बच गए हैं उनको भी हम डायरेक्शन वाइज ही कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आज के सेशन में हम कंप्लीट करेंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जितने नेशनल पार्क है उसको हम कवर करेंगे। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में स्टेट्स आती कौन कौन सी हैं, जैसे कि सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय। तो इन सभी को आज के इस लेक्चर में पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आज के इस लेक्चर में जो पहली स्टेट रहेगी नॉर्थ ईस्ट की वो है सिक्किम। तो सिक्किम में देखिए सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है और वहाँ पर देश की हाईएस्ट पीक आती है, अगर हम पीओके वाली को इंक्लूड ना करें। तो सबसे पहले देखिए सिक्किम की बात करते हैं। तो सिक्किम में देखिए बहुत बड़ी चोटी आती है, देश की हाईएस्ट पीक्स में आती है, उसका नेम है कंचनजंगा। तो वहाँ पर जो नेशनल पार्क है उसको हम बोलते हैं कंचनजंगा नेशनल पार्क। सो कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, सिक्किम में। तो चलिए, नॉर्थ ईस्ट की एक स्टेट तो हमने ईजिली कवर कर ली। अब हम बढ़ेंगे वो स्टेट में जहाँ से ब्रह्मपुत्रा भारत में एंटर करती है। तो वो स्टेट का नेम है अरुणाचल प्रदेश। तो इंडियाज ईस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सी है, अरुणाचल प्रदेश। और सनराइजेज, जैसे कि हम कहते हैं ना सनराइजेज इन द ईस्ट, तो भारत में सबसे पहले सनराइज किस स्टेट में होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है। तो अब हमने ये देखना है कि अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क है। तो अरुणाचल प्रदेश में दो नेशनल पार्क है और इसको याद रखने का वे भी यही है कि सनराइजेज इन द ईस्ट और वहां पर सबसे पहले भारत में कहाँ पर आता है, अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में अब हम देखेंगे इसको कैसे याद रखेंगे। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले मॉर्निंग होती है। तो मॉर्निंग में उठते सर हम सबसे पहले क्या करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, मतलब नाम जपते हैं। ठीक है, तो नाम जपना और मॉर्निंग, तो मॉर्निंग में नाम जपते हैं ना। तो अरुणाचल प्रदेश के नेशनल पार्क आपको याद हो चुके हैं। तो कौन कौन से नेशनल पार्क है, मॉलिंग नेशनल पार्क एंड नामदफा नेशनल पार्क। तो ये देखिए कितने इजिली आपको अरुणाचल प्रदेश के नेशनल पार्क याद हो गए। तो देखिए, दो स्टेट हमने कवर कर ली, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। तीसरी जो हमारी स्टेट है वहां पर बहुत नेशनल पार्क है, वो स्टेट का नेम है असम। तो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं असम के नेशनल पार्क। तो नॉर्थ ईस्ट में देखिए सबसे ज्यादा असम में नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेंगे। तो असम का वहां पर स्टेट एनिमल कौन सा है, वन हॉर्न राइनो। तो वहां पर वन हॉर्न राइनो पाया जाता है। तो वन हॉर्न राइनो कहाँ पर पाया जाता है, असम के काजीरंगा में। तो आपने ये याद रखना है, काजीरंगा एंड मानस, ये दो नेशनल पार्क वहां पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन से, काजीरंगा एंड मानस, ये दोनों आप याद रखेंगे, रिलेट कर लीजिए। फिर उसके बाद बच गए नामेरी, ओरेंग एंड दिब्रू साइखोवा। ये तीन इकट्ठे याद रखने हैं, नामेरी, ओरेंग, दिब्रू साइखोवा। ठीक है, ये टोटल पांच नेशनल पार्क हो गए। सबसे पहले काजीरंगा, ये बचपन में आप पढ़ते होंगे स्कूल्स में, काजीरंगा नेशनल पार्क। फिर उसके बाद उसकी के साथ मानस आप याद रखेंगे, ये दोनों इकट्ठे एक पैटर्न में चलेंगे, एक पेयर में आ गए। फिर उसके बाद जो रिमेनिंग है वो कौन कौन से है, नामेरी, ओरेंग एंड दिब्रू साइखोवा, ये तीन याद कर लीजिए अलग से। तो ये टोटल कितने नेशनल पार्क हो चुके हैं, पांच नेशनल पार्क। तो असम के नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो असम में अब नए नेशनल पार्क आएंगे, वो दो कौन से हैं, एक है दिहांग पटकाई और दूसरा रायमोना नेशनल पार्क। ये दोनों आपने एक्स्ट्रा याद रखने हैं, कौन सा, दिहांग पटकाई एंड रिमोना नेशनल पार्क। क्लियर है, तो ये हमारे थे असम के नेशनल पार्क। तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम के नेशनल पार्क हमने कर लिए। तो अब हम पढ़ने लगे हैं मेघालय के नेशनल पार्क। तो मेघालय में मेघा वर्ड आता है। तो मेघा कोई एक ऐसी लड़की है जो बहुत नखरे करती है, उसके बाल बहुत लंबे लंबे पक चुके हैं। ठीक है, तो मेघा लड़की के नखरे बहुत हैं, उसके बाल बहुत पक चुके हैं, ऐसे याद रखिए, नखरे वाली मेघा के बाल पक गए हैं। तो अब देखिए इसके नेशनल पार्क, तो मेघालय, सो मेघा से मेघालय, उसके बाल पक रहे हैं तो बालपक्रम नेशनल पार्क, और वो नखरे करती है तो नौकरेक नेशनल पार्क। तो मेघा, नौकरेक एंड बलपक्रम, तो दो नेशनल पार्क आपको मेघालय के भी याद हो गए। तो मेघालय के
बलपक्रम और नॉकरेक, ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद हो गए। तो अब मेघालय के बाद आगे चलते हैं नागालैंड। तो नागालैंड में देखिए नागवड बनता है, तो जब बीन बजती है तो नाग क्या करता है, नौटंकी करता है, ठीक है, ऐसे याद रखना है आपने, जब बीन बजती है तो नाग क्या करता है, नौटंकी करता है। सो जो नागालैंड का नेशनल पार्क है उसका नेम क्या है, नतंगकी, तंगकी, एन आगे लगा के तंगकी, वो तंग करता है, ठीक है, या नौटंकी करता है, ऐसे याद रख लीजिए। सो नागालैंड तंगकी, क्लियर है, तो नागालैंड के नेशनल पार्क भी आपको याद हो गए। तो हमने कौन कौन से स्टेट के कर लिए, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय एंड नागालैंड, तो 5 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के नेशनल पार्क हमें याद हो चुके हैं, तो अभी 3 बचे हैं। सो टोटल 7 सिस्टर और 1 ब्रदर मिलाकर हम 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के नेशनल पार्क पढ़ रहे हैं, तो 5 हमने कर लिए। तो नेक्स्ट स्टेट है त्रिपुरा, तो त्रिपुरा में भी देखिए 2 नेशनल पार्क हैं, तो इसको याद कैसे रखेंगे, त्रिपुरा, पूरा है ना, पूरा आ गया, तो यहाँ पर पूरा देखिए मतलब पूरा आसमान क्लाउड से भर चुका है, ठीक है, पूरा आसमान क्लाउड्स से भर चुका है, तो क्लाउड्स होती है तो फिर उसके बाद क्या होता है, बरसात होती है, बरसते हैं, ठीक है, बिसन। तो अब आपने 2 नेशनल पार्क याद किए हैं त्रिपुरा के, सो पूरा त्रिपुरा के कौन से नेशनल पार्क हैं, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क और दूसरा बिसौन, बहुत बरसात बरसी है, ठीक है, ऐसे बिसौन नेशनल पार्क, तो बिसौन को राजबड़ी नेशनल पार्क भी बोला जाता है, ठीक है, राजा आज बड़ी बरसात हुई है, ऐसे याद रख लीजिए। सो क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क और बिसौन राजबड़ी नेशनल पार्क, ये दोनों कहाँ के हैं, त्रिपुरा के, तो आई होप ये भी आपको अच्छे से याद हो चुका होगा। तो नेक्स्ट स्टेट देखिए, 2 स्टेट है, तो इसमें आपको याद रखना पड़ेगा, एक है मणिपुर और दूसरा है मिजोरम। सो मणिपुर एंड मिजोरम के नेशनल पार्क हमें याद करने हैं। अब है मणिपुर में देखिए, तो मणिपुर में 2 नेशनल पार्क हैं, तो मणिपुर के कौन कौन से 2 नेशनल पार्क हैं, काइबुल लैमजो एंड सिरोही नेशनल पार्क। तो मणिपुर में 2 नेशनल पार्क हैं, कौन कौन से, काइबुल लैमजो एंड सिरोही नेशनल पार्क, तो याद कैसे रखेंगे, सिर्फ वही, सिरोही को सिर्फ वही, तो सिर्फ वही कौन सा, काइबुल लैमजो। अब देखिए काइबुल लैमजो पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा ही नेशनल पार्क है जिसमें जिसको फ्लोटिंग नेशनल पार्क बोला जाता है, तो पूरी दुनिया का फ्लोटिंग नेशनल पार्क एक ही है, वो कौन सा है, सिर्फ वही, कौन सा, सिर्फ वही, तो सिर्फ वही कौन सा, काइबुल लैमजो। तो काइबुल लैमजो सिरोही नेशनल पार्क बोथ आर इन मणिपुर, तो चलिए ये भी आपको अच्छे से याद हो गया। तो अब बच गए मिजोरम, तो मिजोरम में भी 2 नेशनल पार्क है और उसको हम कैसे याद रखेंगे, मिजोरम, रम मीन्स राम, तो मिजोराम, ऐसे स्पेलिंग बन रहे हैं ना मिजोराम, तो राम देखिए राम को कौन याद करता है, एक मुरलीन लड़की है, तो मुरलीन राम को कैसे याद करेगी, ऊपर आसमान को देख के, ब्लू माउंटेन्स, ब्लू को देख के, ब्लू आसमान को देख के, तो मुरलीन ब्लू माउंटेन्स, तो मुरलीन नेशनल पार्क एंड ब्लू माउंटेन्स नेशनल पार्क बोथ आर इन मिजोरम। सो देखिए मिजोरम में 2 नेशनल पार्क है, एक मुरलीन नेशनल पार्क और दूसरा ब्लू माउंटेन्स, और ब्लू माउंटेन्स को फांगपुई भी बोला जाता है, तो फांगपुई ब्लू माउंटेन्स नेशनल पार्क एज वेल एज मुरलीन नेशनल पार्क बोथ आर इन मिजोरम। तो आपको नॉर्थ ईस्ट के सारे नेशनल पार्क अच्छे से याद हो चुके हैं। तो दोबारा देखिए, तो हमने सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, सभी स्टेट्स के जो नॉर्थ ईस्ट में हैं उनके नेशनल पार्क अच्छे से कर लिए हैं। तो आपने बार बार रिवाइज करना है इसको, और पार्ट 1 अगर आपको अच्छे से याद हो गया फिर इसको रिवाइज कीजिए, और हफ्ते में एक बार इसकी रिवीजन कर लिया कीजिए, आपको कभी नहीं ये भूलेंगे, अच्छे से याद हो जाएंगे, आई गारंटी। तो देखिए हमने नॉर्थ ईस्ट के नेशनल पार्क सारे कंप्लीट कर लिए हैं, तो अब हम करेंगे ईस्टर्न साइड के नेशनल पार्क। तो ईस्ट में देखिए कौन कौन से नेशनल पार्क आते हैं, और आपने असम में ये भी याद रखना है कि असम में जो ऑरेंज नेशनल पार्क है उसको संजय नेशनल पार्क भी बोला जाता है, ठीक है, तो ये एक पॉइंट स्किप हो गया था, तो इसको ध्यान रखना आप लोगों ने। तो देखिए ईस्ट साइड में मैं आपको 3 स्टेट्स करवाऊंगा, एक होगी वेस्ट बंगाल, एक होगी ओडिशा एंड थर्ड वन इज छत्तीसगढ़, तो इनको हम ईस्ट साइड में याद करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ओडिशा को पढ़ते हैं, तो ओडिशा में देखिए सिर्फ 2 नेशनल पार्क हैं, तो ओडिशा के 2 नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपने अच्छे से याद रखना है। सो ओडिशा में देखिए 2 नेशनल पार्क, तो पहला है भितरकनिका नेशनल पार्क एंड सेकेंड वन इज सिंपलीपाल नेशनल पार्क, सिर्फ 2 ही नेशनल पार्क है ओडिशा में, भितरकनिका एंड सिंपलीपाल, तो चलिए ओडिशा भी आपको अच्छे से याद हो गया। तो अब हम करेंगे छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में देखिए कितने नेशनल पार्क आते हैं, तो देखिए छत्तीसगढ़ में 3 नेशनल पार्क आते हैं, वो कौन कौन से आते हैं, तो सबसे पहले देखिए गुरु घासी, ठीक है, गुरु घासी नेशनल पार्क, सेकंड इंद्रावती नेशनल पार्क एंड थर्ड कंगर घाटी नेशनल पार्क। तो गुरु घासी, कंगर घाटी, घासी घाटी, ऐसे रिलेट कर लीजिए, घासी घाटी, तो सबसे पहले देखिए गुरु घासीदास घासी, तो यहां पर आएगा कंगर घाटी, सो गुरु घासीदास घासी, नीचे आएगा घाटी,
कंगर घाटी, ठीक है, और गुरु से आप रिलेट कर लीजिए इंद्र, ठीक है, गुरु से रिलेट कीजिए इंद्र। सो गुरु घासीदास, इंद्रावती नेशनल पार्क, कंगर घाटी नेशनल पार्क, क्लियर है? तो दोबारा देखिए, छत्तीसगढ़ में तीन नेशनल पार्क है। सबसे पहले गुरु घासीदास, नीचे आएगा घाटी, कौन सी? कंगर घाटी नेशनल पार्क, फिर लास्ट में आएगा कौन सा? इंद्रावती नेशनल पार्क, ठीक है ना? तो आप याद रखेंगे गुरु घासीदास है किसी घाटी में बैठकर तो इंद्र की पूजा करते हैं, गुरु घासीदास किसी घाटी में इंद्र की पूजा करते हैं, तो वो छत्तीसगढ़ में, जो छत्तीसगढ़ के किलों में गुरु घासीदास किसी घाटी में बैठ के इंदिरा की पूजा करते हैं। तो ऐसे याद रख लीजिए, नहीं तो तीनों को बार बार बोलोगे वैसे ही याद हो जाएंगे, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क, कंगर घाटी नेशनल पार्क, क्लियर है? तो आपको ये याद रखना ही मेन मोटिव है, बाकी किसी भी वे से आप याद रखिए। मेरे अकॉर्डिंग जितने अभी तक किए वो आपको अच्छे से याद हो चुके होंगे, और मोस्टली तो हमने ट्रिक से अच्छे से याद कर ही लिए हैं। तो इंद्रावती, कंगर घाटी और गुरु घासीदास, इनको भी आपने याद रखना है, और इनमें से एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है इंद्रावती नेशनल पार्क, तो आप इसको जरूर याद रखेंगे। और साथ ही में गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो है उसको संजय नेशनल पार्क भी बोला जाता है, तो संजय नेशनल पार्क हमने महाराष्ट्र में भी पढ़ चुके हैं, तो आपने यही पॉइंट्स अच्छे से याद रखने हैं कि कहाँ पर कौन सा नेशनल पार्क पड़ता है। तो देखिए, ईस्ट में अब सिर्फ बच गया वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल को अब हम याद करेंगे। तो वेस्ट बंगाल में देखिए, सबसे पहले तो आपको सुंदरबंस नेशनल पार्क तो अच्छे से याद होगा, ठीक है? तो सुंदरबंस तो आपको आता ही है ऑलरेडी, तो सुंदरबंस नेशनल पार्क हो गया हमारा वेस्ट बंगाल में। उसके अलावा देखिए, आप लोगों ने हिस्ट्री में बैटल ऑफ बक्सर जरूर सुना होगा, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर। तो बक्सर वैसे तो बिहार में पड़ता है, लेकिन आप वहां से रिलेट कर लीजिए, बिहार में तो सिर्फ एक नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क, लेकिन वो जो बक्सर रीजन है नजदीक किसके पड़ता है? वेस्ट बंगाल से। तो आप उसको रिलेट कर लेंगे कि बक्सा नेशनल पार्क कहां पर है? वेस्ट बंगाल में। तो दो नेशनल पार्क हमने कर लिए, सुंदरबंस एंड बक्सा। और आप लोगों ने जरूर एक न्योरा वैली जरूर सुनी होगी, ठीक है, न्योरा वैली। सो न्योरा वैली कहां पर है? वो भी वेस्ट बंगाल में है। सो न्योरा वैली नेशनल पार्क, बक्सा नेशनल पार्क, सुंदरबंस नेशनल पार्क, ये तीन तो हमने कर लिए। तो अब देखिए, जो तीन बच गए उसमें कौन कौन से हैं? एक है सिंगालीला, दूसरा गोरुमरा एंड थर्ड जल्दापरा, ठीक है? कोई सिंगालीला था वो मर रहा था जलता हुआ, जलते हुए, ठीक है, कोई सिंगालीला जलते हुए मर रहा था, तो सिंगालीला, जल्दापरा, गोरुमरा, ठीक है, सिंगालीला, जल्दापरा, गोरुमरा। सो वो मर रहा था जलते हुए, कौन? सिंगालीला। सो सिंगालीला, जल्दापरा, गोरुमरा, ठीक है? तो ये आपको नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल के भी याद हो गए। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, तो वेस्ट बंगाल में छह नेशनल पार्क हैं, उनमें से सबसे पहले देखिए सुंदरबंस अच्छे से आपको आता है, बक्सा अच्छे से आपको याद है, और न्योरा आपने याद रखना है। उसके अलावा जो तीन है उसमें सबसे पहले देखिए सिंगालीला, गोरामरा एंड जल्दापरा, तो ये आपको छह नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल के अच्छे से याद हो चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अब हम करेंगे साउथ इंडिया के नेशनल पार्क, तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो साउथ इंडिया को याद रखना। तो साउथ इंडिया में देखिए कौन कौन से नेशनल पार्क आते हैं, तो इसको भी हम स्टेट वाइज ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कर्नाटका स्टेट के, तो कर्नाटका स्टेट में कौन कौन से नेशनल पार्क आते हैं, तो इसको याद रखने के लिए मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा। एक अंशी नाम की लड़की है, ठीक है, अंशी नाम की लड़की नगर होल में रहती है। किस नगर में रहती है? नगर होल में। तो नगर में रहती है एक अंशी, ठीक है, उसको बंदी बनाकर ले गए, ठीक है, उसको बंदी बनाकर ले गए, तो उसको बोला अपने मुख पर देख पनीर लगा है, ठीक है, उसको बंदी बनाकर ले गए और उसको क्या बोला? अपने मुख पर देख पनीर लगा है, तो उसके मुख पर पनीर लगा था, तो इसकी सजा क्या मिली? उसको बंदी बनाकर अंशी को ले गए। तो नगर में रहने वाली अंशी जिसको बंदी बनाकर ले गए, किस बात पे? क्योंकि उसके मुख पर पनीर लगा था। तो देखिए क्या हो गया, आपको सारे नेशनल पार्क याद हो गए कर्नाटका के। तो कर्नाटका में देखिए नगर होल नेशनल पार्क है, अंशी नेशनल पार्क है, बंदीपुर नेशनल पार्क है, कुद्रेमुख नेशनल पार्क है, और बनीर गट्ठा नेशनल पार्क है। तो आपको पांच नेशनल पार्क अच्छे से याद हो चुके हैं कर्नाटका के। दोबारा सुनिएगा, ठीक है, नगर होल की अंशी के मुख पर पनीर लगा था, इसलिए उसको उठाकर ले गए, ठीक है ना, उसको बंदी बनाकर ले गए। तो ये नेशनल पार्क कहाँ के है? कर्नाटका के। तो कर्नाटका के बाद अब हम करेंगे केरला के नेशनल पार्क। तो केरला के बहुत इंटरेस्टिंग है और याद रखने अपने आप में एक टास्क रहेगा, तो उसको हम पढ़ेंगे केरला के नेशनल पार्क्स को। सो देखिए केरला में सिक्स नेशनल पार्क है, और उसको याद रखना, देखिए कैसे रखेंगे, तो उसको याद रखा जा सकता है। तो देखिए कैसे कैसे, सबसे पहले देखिए आपने पेरियार रिवर जरूर सुनी होगी, है ना, पेरियार रिवर साउथ में बहती है, तो वो केरला से बहती है, तो पेरियार नेशनल पार्क हो गया।
सेकंड, आप याद रखिए कि केरला के लोग बहुत शांतमय होते हैं, है ना, तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट है वहाँ पर, ठीक है, तो इजीली आप माइंड माइंड में रख लीजिए, समझदार लोग हैं, शांत रहते हैं। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, तो सबसे पहले वहाँ पर पेरियार नेशनल पार्क, दूसरा साइलेंट वैली नेशनल पार्क, तीसरा वहाँ पर आप लोगों ने सुना होगा हाईएस्ट पीक उस रीजन में हमारी पड़ती है वेस्टर्न साइड में, तो आप लोगों ने वहाँ पर एक बहुत ऊंची पीक चोटी का नाम सुना होगा अनाई मुडी, ठीक है, अनाई मुडी वहाँ पर माउंटेन भी है। तो पेरियार नेशनल पार्क, फिर उसके बाद हमने पढ़ा साइलेंट वैली नेशनल पार्क, तीसरा हमने पढ़ा अनाई मुडी, ठीक है, तीन नेशनल पार्क पढ़ लिए और तीन रह गए। तो वो जो तीन रह गए उनको कैसे याद रखेंगे, तो सबसे पहले देखिए इराविकुल्लम मथिकेटम पम्बादुम, इराविकुल्लम मथिकेटम पम्बादुम। तो देखिए सबसे पहले पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अनाई मुडी नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अनाई मुडी नेशनल पार्क, इधर इराविकुल्लम नेशनल पार्क, मथिकेटम नेशनल पार्क, पम्बदुम नेशनल पार्क। तो ये छह नेशनल पार्क है केरला स्टेट के। तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाइए और आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे, क्लियर है। तो कर्नाटका एंड केरला के बाद अब हम पढ़ेंगे तमिलनाडु के नेशनल पार्क्स। तो तमिलनाडु में देखिए पांच नेशनल पार्क हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, चलिए इंदिरा गांधी याद हो गई आपको, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर है, तमिलनाडु में, चलिए एक हो गया, बाकी उसके बाद देखिए चार रह गए। तो चार में देखिए हमने पढ़ा होगा, तो हमने तो देखिए चार में देखिए जो आप लोगों ने पढ़ा होगा गल्फ ऑफ मन्नार एंड कोरोमंडल कोस्ट और मालाबार को साउथ इंडिया में पड़ती है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा गल्फ ऑफ मन्नार, ये कहाँ पर पड़ता है, तमिलनाडु श्रीलंका वाले रीजन में। तो गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क कहाँ पर पड़ेगा, तमिलनाडु में ही पड़ेगा। तो दो नेशनल पार्क हमने पढ़ लिए, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क। तो तमिलनाडु में गुंडी रहती है कोई, ठीक है, याद रख लीजिए गुंडी कहाँ पर, तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की गुंडी नेशनल पार्क। तो गुंडी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, गुंडी नेशनल पार्क। अब एम से दो है, मुकुर्थी नेशनल पार्क एंड मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क। तो पांच नेशनल पार्क आपको तमिलनाडु के भी याद हो गए, कौन कौन से, गल्फ ऑफ मन्नार, गुंडी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क। तो ये पांच नेशनल पार्क तमिलनाडु के भी आपको अच्छे से याद हो चुके हैं। तो बार बार मल्टीपल टाइम रिविजन कीजिए और आपको ये सारे अच्छे से याद हो जाएंगे। तो चलिए हमने केरला कर्नाटका तमिलनाडु को तो कवर कर लिया, अब हम पढ़ेंगे आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना के नेशनल पार्क। तो अब देखिए अब हम पढ़ेंगे आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क। तो आंध्र प्रदेश में तीन नेशनल पार्क हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए पोप्पिकोंडा, पप्पिकोंडा नेशनल पार्क, वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क एंड थर्ड वन इज राजीव गांधी नेशनल पार्क। तो यहाँ पर देखिए बहुत कन्फ्यूजन होगी, सर राजीव गांधी तो हमने पढ़ लिया हुआ है कर्नाटका में, तो कर्नाटका में जो नगरहोल नेशनल पार्क है उसको राजीव गांधी नेशनल पार्क भी कहते हैं, वेयर एज यहाँ पर आंध्र प्रदेश में जो राजीव गांधी है उसको रामेश्वरम नेशनल पार्क कहते हैं, लेकिन रामेश्वरम जो पड़ता है वो पड़ता है तमिलनाडु में। तो कन्फ्यूजन होगी होगी, है ना, तो आपने ये पॉइंट ध्यान से याद रखना है कि राजीव गांधी नगर होल वाला कर्नाटका में है, राजीव गांधी रामेश्वरम वाला आंध्र प्रदेश में है, लेकिन रामेश्वरम शहर की बात करें जाए वो तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है, वो नेशनल पार्क रामेश्वरम कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। तो तीन नेशनल पार्क है आंध्र प्रदेश में, एक है पप्पीकोंडा नेशनल पार्क, वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क एंड राजीव गांधी रामेश्वरम नेशनल पार्क। रामेश्वरम कडप्पा नाम के शहर में पड़ता है ये रामेश्वरम नेशनल पार्क, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, जिसको राजीव गांधी नेशनल पार्क भी बोला जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम तेलंगाना की ओर। तो तेलंगाना में देखिए तीन नेशनल पार्क है और याद रखना ये बड़े इंटरेस्टिंग है नेम इनके। तो सबसे पहले देखिए मृगरावनी नेशनल पार्क कहाँ पर है, तेलंगाना में। सेकेंड कासु ब्रह्मनंदा रेड्डी नेशनल पार्क, कासु ब्रह्मनंदा रेड्डी नेशनल पार्क। एंड थर्ड वन इज महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क। ये तीन नेशनल पार्क है तेलंगाना के। तो ऐसे हमारे साउथ इंडिया के सारी स्टेट्स के नेशनल पार्क कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो नेशनल पार्क बच गए वो है गोवा और मध्य प्रदेश के। तो गोवा में देखिए सिर्फ एक ही नेशनल पार्क पड़ता है जिसको हम बोलते हैं मोलम नेशनल पार्क। तो गोवा में कितने नेशनल पार्क है, एक ही है, स्टेट भी छोटी सी है और उसमें नेशनल पार्क भी एक है, तो गोवा में मोलम नेशनल पार्क पड़ता है। तो अब देखिए पूरे देश के नेशनल पार्क हमने कंप्लीट कर दिए और बच गया सिर्फ एक स्टेट, उसको हम बोलते हैं मध्य प्रदेश। पूरे देश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क आपको मध्य प्रदेश में ही मिलेंगे और इसको याद रखना भी अपने आप में एक टास्क रहेगा। तो आप लोगों ने याद रखना है मध्य प्रदेश के बारे में। तो देखिए मध्य प्रदेश में 10 नेशनल पार्क हैं और इसको याद देखिए कैसे रखेंगे। सबसे पहले देखिए आप लोग जानते हैं कि देश में सबसे ज्यादा वन कहाँ पर है, वो है मध्य प्रदेश में। फॉरेस्ट कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। तो वन विहार नेशनल पार्क कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। दूसरा आप लोगों ने सुना होगा वहां पर सतपुरा रेंज निकलती है, तो सतपुरा नेशनल पार्क कहाँ पर मिलेगा आपको, वो भी मध्य प्रदेश में।
सो वन विहार सतपुरा, बोथ आर इन मध्य प्रदेश। अब देखिए, पन्ना पेंच माधव बांधव, क्या पन्ना पेंच माधव बांधव, ये चार नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। चारों एक पैटर्न में याद रखिए, पी से पन्ना, पी से पेंच, पन्ना पेंच माधव बांधव, माधव बांधव आ रहा है ना एक जैसे टोन। सो पन्ना पेंच माधव बांधवगढ़ नेशनल पार्क, सो पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जो चार ये और दो पहले हमने किए, छह नेशनल पार्क हमने कंप्लीट कर लिए हैं, तो चार बचे। तो जो चार बच गए वो हैं कान्हा, मांडला, ओमकेश्वर, संजय। कान्हा, मांडला, ओमकेश्वर, संजय, तो ये चार नेशनल पार्क इकट्ठे याद रखिए। कान्हा, कान्हा है ना लॉर्ड कृष्णा, सो कान्हा, मांडला, ओमकेश्वर, संजय, तो ये चार नेशनल पार्क ऐसे याद कर लिए। सो 10 नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, कौन कौन से हैं एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, वन विहार नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, पेंच, पन्ना, माधव, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, फिर उसके बाद कान्हा, मांडला, ओमकेश्वर एंड संजय नेशनल पार्क। तो ये पूरे देश के नेशनल पार्क आपको अच्छे से याद हो चुके हैं। तो आई होप आपको ये पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोगों ने दोनों पार्ट्स देख लेने हैं, तो कभी भी आपका एग्जाम हो, जब आपने नेशनल पार्क्स को रिवाइज करना है, इन दोनों वीडियोस को, दोनों पार्ट्स को आप फास्ट फॉरवर्ड पर लगाकर, ईयरफोन्स लगाकर जरूर सुनिए, और आपको ये पूरे लेक्चर अच्छे से रिवाइज हो जाया करेगा। एक बार अच्छे से आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, याद कर लीजिए, फिर कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आई होप आपको ये पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल पनीशिया ट्यूटर, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।